अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज मैं आपके साथ जूस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, पी स्पार्कलिंग रिफ्रेशिंग जूस। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ यूं हैं: 1 kg पीच, ये साइज के हैं, 1 कप चीनी, 1/2 कप लेमन जूस और आइस क्यूब्स। सबसे पहले पीच लेंगे और इसके से करके 4 कट लगाएंगे और इस तरह से खोल लेंगे। 1, 2, 3, 4 इसी तरह से करके और इसके छोटे छोटे इस तरह से क्यूब्स कर लेंगे। इस तरह से इसी तरह से मैं सारे करती जाऊँ। पीच के सारे क्यूब्स कर लिए हैं मैंने, पीच के सारे क्यूब्स इस तरह से कर लिए हैं और छिलकों के साथ किए हैं, छिलके रिमूव नहीं करने। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, अब इसके अंदर मैं सारे पीच इस पैन में डाल दूंगी। चीनी 1 कप डाल दूंगी और 1/2 कप लेमन जूस, 2 कप पानी डाल के इसको चूल्हे पर रख दूंगी पकाने के लिए। चूल्हे पर मैंने रख दिया इसको और इसको इतना पकाना है कि ये गल जाए। कवर करके 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। ये देखें गल गए हैं, अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने गल गए हैं। ये देखें हाथ की मदद से ये प्रेस होते जा रहे हैं। अब इसको ठंडा करके ब्लेंड करते हैं। एक मैंने जग ले लिया, सारा मिक्सर डाल के काला नमक 1 चाय का चम्मच ये डाल के और ब्लेंड कर लूंगी। ये जबरदस्त सी समूदी तैयार हो गई है। इसके अंदर थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाल लेंगे हम और इसको कवर करके थोड़ा सा और ब्लेंड कर लेंगे। अब इसको को ग्लासों में डिश आउट करते हैं। इसके अंदर मैं आइस क्यूब्स डाल दूंगी, भी हम आइस क्यूब्स डाल लेंगे। और ये प्यूरी ऐड कर दूं। मजेदार था, पीच का जूस तैयार है। ये देखिए जबरदस्त है। एक तो आप इसको बिल्कुल इसी तरह से पी सकते हैं और इसके अंदर अब हम दूसरे एक तरीका ये है और एक तरीके में हम दूसरे में हम ड्यू डाल लेंगे, ड्यू या 7 अप, स्प्राइट, कुछ भी ये हम डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। लीजिए मजेदार सा पी स्पार्कलिंग रिफ्रेशिंग जूस तैयार है। आप इसको बनाकर 15 दिन के लिए शीशे के 8 टाइट बॉटल में डाल के फ्रिज में आप रख सकते हो। आपको बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्लास लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा ये जो मिक्सर है ये आपने थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून डालना है। उसके अंदर थोड़ा पानी डालें, आइस क्यूब्स डालें, सॉफ्ट ड्रिंक डालें और आप इसको मिक्स करें और पुदीने के पत्तों से गार्निश करके आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और आके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।